नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं फिर से मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ। और लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं चल रहा हूँ भी मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और लास्ट वीडियो पे जहाँ पर बैरिकेड लगा के रोड को ब्लॉक कर दिया था, ये वही जगह है। देखिए IMS का बोर्ड है, लाल कुआ के पास ही जगह आती है। और यहाँ पर लास्ट टाइम ना बैरिकेड लगा के इस रोड को बंद कर दिया गया था और डाइवर्ट कर दिया था ट्रैफिक को, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही था। तो आज मैं फिर से मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ा था, तो यहाँ वाला जो बैरिकेड था ना, अभी वहाँ बैरिकेटिंग तो है लेकिन वहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो आज अगर जो लोग मेरठ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कांवड़ यात्री यहाँ पर जा रहे हैं काफ़ी सारे, तो इसके साथ साथ आप भी जा सकते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे फिर से खोल दिया गया है। अब उस टाइम क्या रीज़न था कि वो क्यों बंद किया गया था ये तो मुझे नहीं पता, और आज क्यों खोला गया इसका रीज़न भी मुझे नहीं पता। लेकिन अभी की इन्फॉर्मेशन यही है कि एक्सप्रेसवे खुल चुका है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरठ जाने के लिए या कहीं पर भी हरिद्वार वगैरह के जाने के लिए। बाकी आगे का क्या अपडेट है, आगे एक्सप्रेसवे के आगे की रोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 24 जुलाई 2022 को। ये 24 जुलाई 2022 की वीडियो है, और लास्ट वीडियो मैंने शूट करी थी 21 जुलाई 2022 को। और अभी देख रहे हैं मैं टोल पे पहुंच चुका हूँ, टोल भी कट रहा है। हालांकि मैंने ऐसा सुना है कि जो कांवड़ यात्री है उनका टोल नहीं लग रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकता कितना सही है। अभी मैं आ गया हूँ हाईवे से आगे, यहाँ से आपका हरिद्वार वाला हाईवे शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कांवड़ यात्रा चल रही है, और ये रोड अभी भी सिंगल लेन ही है। यहाँ से आपको सिंगल लेन ही जाना पड़ेगा, चाहे आपको आना हो या जाना हो, सिंगल लेन ही रोड है। जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ से कांवड़ यात्रा चल रही है, काफ़ी सारे लोग आप देख रहे होंगे वीडियो में। और इस रोड पे सिंगल लेन है, लेकिन इस रोड पे ना आपको कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा कि आप फंस जाओगे। रोड ये 24 घंटे मैंने देखा है कि चल ही रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी जाम नहीं लग रहा है इस रोड पे कहीं पे भी। और जो हाईवे है, अभी मैं हाईवे पे वापस आ गया, मैं वापस दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो जाने वाली रोड भी खुली हुई है। जाने वाली रोड वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि खुली हुई थी और अभी भी खुली हुई है। लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि भाई इस हाईवे पर जाते वक्त जन की अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो चढ़ना कहाँ से है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो ब्लॉक है, तो आपको पुराने रास्ते की तरफ जाना है और थोड़ा सा आगे चलते ही एक फ्लाईओवर आता है, उससे नीचे उतरते ही यू टर्न मारना है आपको राइट हैंड साइड में। थोड़ा सा आगे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता आएगा जो कि आपको मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ा देगा। काफ़ी वहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगे रहते हैं, और वहाँ वाले जो लेफ्ट कट है वहाँ से आप ईजिली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे और दिल्ली की तरफ आप आराम से जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और देख रहे हैं आप कांवड़ यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं यहाँ पर एक, और जो मेरठ एक्सप्रेसवे है इस पर भी जो आसपास के लोग हैं वो लोग यहाँ पे कांवड़ सेवा कर रहे हैं, यानी कि कांवड़ यात्रियों के लिए पानी वगैरह और कुछ खाने पीने की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई हुई है। पूरे हाईवे पे आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा। और अभी शुरू हो चुकी है बारिश, और अब मैं उसी पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि रोड को ब्लॉक किया गया था। ये सामने की तरफ आप देख रहे थे, लास्ट टाइम ये रोड ब्लॉक थी लेकिन अभी ये पूरा रोड चालू है। आप देख रहे हैं सामने की तरफ से ट्रैफिक भी आ रहा है। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी ये रोड बिल्कुल खुला हुआ है, आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।